दोस्तों मान लो कि आपके पास एमएस एक्सेल का बहुत सारा डाटा है। मान लो जैसे कि यहां पर आइटम है लैपटॉप। अब हमें अगर ये पता करना हो कि ये लैपटॉप किस किस बंदे ने कितने रुपए में परचेज किया था, तो किस प्रकार से पता करेंगे? सो आप कंट्रोल के साथ एफ दबाएंगे, फाइंड ऑप्शन पर जाएंगे, वहां पर लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, आप चाहें तो एमएस एक्सेल में खुद का एक सर्च बार को क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं और जो भी रिजल्ट होगा वो आपका अलग से हाईलाइटेड होकर दिखेगा। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि यहां पर मैंने एक सर्च बार बनाया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है ए। अगर मैं यहां पर ए सर्च करूंगा सो ए से रिगार्डिंग जो भी रिजल्ट होगा वो आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहां लिख दूंगा ए सी सो ए सी किसने खरीदा वो भी आपको देखने को मिलेगा। करना क्या है वो आप समझिए कि आपको ये पूरा का पूरा डाटा सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से याद रखिएगा, यहां पर आपको हेडिंग सिलेक्ट नहीं करनी है, डाटा सिलेक्ट करना है। डाटा सिलेक्ट करने के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाना है और यहां पर आपको न्यू रूल पर क्लिक कर देना है। न्यू रूल पर क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में जो ऑप्शन आपको मिलेगा यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन बिट सेल टू फॉर्मेट, यहां पर आपको क्लिक करना है। देन इस पर क्लिक करते ही एक फॉर्मूला बार आपके बॉटम में आ जाएगा और यहां पर आपको क्या करना है वो आप समझिए। इक्वल लगाना है, यहां पर आपको लिखना है SERCH यानी कि सर्च और ब्रैकेट आपको ओपन कर लेना है। अब यहां पर एक चीज ये है कि किस सेल को आपको सर्च बार के तरीके से यूज करना है। सो यहां पर जो एसी लिखा हुआ है यहीं पर तो हम कुछ ना कुछ लिखेंगे, सर्च करेंगे, सो यही हमें सर्च बार बनाना है। सो इस सेल पर मैं क्लिक कर देता हूं, क्लियर है। अब आपको कॉमा लगाना है। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी, कॉमा लगाने के बाद ये जो पहला डाटा कौन सा आपका निर्भय, जिसे आप बोलेंगे C5, हेडिंग नहीं है, C5 आपका पहला डाटा है। और जैसे ये D है तो D में D5 पहला डाटा है, E में E5 पहला डाटा है। सो हर एक कॉलम के पहले डाटा को आपको यहां पर लिखना है और उसको फिक्स करना है। क्या करना है? फिक्स करना है। किस प्रकार से करेंगे वो आपको समझाऊंगा। सो यहां पर आपका क्या है C5, यहां पर आप क्लिक कर दीजिए, यहां पर क्या आ गया C5 आ गया। अब आपको अपने कीबोर्ड पर F4 की को दो बार दबाना है, फंक्शन 4 की को दो बार प्रेस करना है। तो मैं यहां पर प्रेस करता हूं F4, हो गया। अब यहां पर क्या आ गया, ये जो सेल था वो आपका फिक्स हो गया। अब आपको D5 के साथ भी ऐसा ही करना है, लेकिन C5 और D5 के बीच में आपको यहां पर एंड सिंबल को लगाना है, जिसे आप एम्परसेंड साइन भी बोलते हैं। सो एंड सिंबल को हम लगा देते हैं, देन यहां पर D5 पर क्लिक करते हैं और दो बार F4 को आप दोबारा से करके क्लिक करके इसे फिक्स कर दीजिएगा। देन आप फिर से एंड सिंबल को लगाइए और इस बार आप E5 पर क्लिक कर दीजिए और देन इसको भी आप F4 पर दो बार क्लिक कर दीजिएगा इस प्रकार से। देन आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा, फॉर्मेट पर जाइएगा, आपको जो भी आप चाहते हैं कि जो भी सर्च का रिजल्ट आए किस प्रकार से आपको दिखे सो वो आप चेंज कर सकते हैं। आप फॉन्ट पर जाइएगा, ऑटोमेटिक पर यहां पर मैं रेड कर देता हूं और बैकग्राउंड पे जाने के लिए फिल पर जाता हूं और इसको मैं येलो कर देता हूं, देन ओके कर देता हूं और उसके बाद मैं यहां पर ओके करता हूं। सो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो भी एसी था वो अभय था और वो मेरा पूरा का पूरा हाईलाइट होकर दिख रहा है। अब मान लीजिए मुझे चेक करना है कि कौन लैपटॉप लेके गया, तो मैं लिखता हूं लैपटॉप, इस प्रकार से कहीं भी क्लिक करता हूं। सो जो भी लैपटॉप लेकर गया था वो हाईलाइट हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे रैम चेक करना है या फिर मुझे पेन ड्राइव करना है चेक, सो मैं लिखूंगा पेन ड्राइव इस प्रकार से और एंटर हिट कर देता हूं। सो जो भी पेन ड्राइव लेके जाएगा वो हाईलाइट हो जाएगा। सो इस प्रकार से आप एक्सेल में खुद का एक सर्च बार को क्रिएट कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और अपने फीडबैक को आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना मत भूलेगा, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।